अपन संस्कृति अपन पहचान बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव की हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज अभी भाई जो है बकरियों के साथ ग्वाला गया था, तो क्या बोलते हैं जंगल में ये एक बकरी ने छोटी बच्ची को पट्ठी को जन्म दिया है, तो अभी वो लेके आ रहा है तो अभी आपको दिखाएंगे हम। उसने कॉल आया था उसका कि बकरी की मम्मी उसके लिए दो बना देना करके। ये यू भी यार ये देखना भाग रही है, ओएस नहीं दे दी मेरे को रुक जा बेटा है आ गई। अच्छा ठीक बकरी आ गई दगड़ियों, तो अभी हम दिखाते हैं आपको। हमारी छोटी बकरी आने वाली है, उसका क्या नाम रखोगे भाभी? उसका नाम भनली रखेंगे हम। अच्छा डी भावना चुपाल उसका नाम अभी भनली रखेंगे। चलो हाँ भनली चुपाल। अरे हाय बकरियां आ गई हैं। हाय गर्ल्स हाय। ओहो हाय। बस बस ये तो बहुत छोटी है, अभी देखेंगे हम इसको। अभी उसको ठंडा लग रहा है ना, तो इसलिए इसका इसका बच्चा हुआ है वो छोटी सी पट्टी। अभी सबको बांधेंगे। अभी भाई अंदर अंदर रहना है, अभी मैं यहाँ बैठती हूँ। ननु पट्टी है गुणे, ये अभी तेल खाएगा, इसको दस्त भी लगेंगे, तेल खा के दस्त भी लगेंगे। ओए कितना मस्त है। अभी यहाँ पे सोएगा थोड़ी देर के लिए, इसको यहाँ पर गर्मी लगेगी। बकरी देखने आए हैं हमारी छोटी पट्टी को। अरे भाई तू बाहर मत आ। कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोल लो उन्हें। बहुत बहुत बधाई भाभी आपको। तो बकरी के पैदा होने के अवसर पर हमारे घर में आज पकवान बनाए जा रहे हैं शेफ पंकज सिंह चुफाल जी द्वारा। अब तो और डबल पकवान बनेगा, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं आज। फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन, चिली पोटैटो। आज आज पार्टी है हमारे घर में, तो अभी ये बना रहे जब तक मैं नेट चलाने जाती हूँ, व्लॉग अपलोड करना है मेरे को। ओ बाप रे ऐसे बनाते हैं भावना व्लॉग्स? तभी ना कल बता भावना व्लॉग्स। भावना व्लॉग्स हाँ भावना व्लॉग यार भावना चाको तो भले किड़ा है मैं तेमले भला देखना है ये तो घर में जा रही हूँ। यार मजे क्या छपा की मेरे बहन जी लोग। हेलो दगड़ियो कैसे रहा? ठीक है राय। ओहो तुम कैसे रहा? हम भी बढ़िया है रे। अरे ना हा मैं कर रही हूं शहर। अरे तभी बढ़िया देखे ना हा खाली चीज ले बोल हा है जगह तो ना ले हमको ही नाम दे हमको ही तो दगड़िया इनको पता चल गया कि मेरे ब्लॉग सब सब बहुत सारे लोग देखते हैं करके, तो इन्होंने मेरे को पकड़ लिया यहाँ पे देखो दोनों साइड से पकड़ लिया आज। अच्छा तो दगड़ियों अभी मैं नेट चलाने जा रही हूँ और अंधेरा होने वाला है, आज मैं लेट हो गई थोड़ा सा। लोग अपलोड करने हैं, अपलोड तो रखा है मतलब पब्लिक करने, मैंने प्राइवेट में रख रखा था ना, तो इसलिए अभी इनका एक दुआ के ऊपर तक रखते हैं। है? ऐसा बना रखी ना मेरे मामू और ना नानी और ना
और वो बीमार है। अच्छा तो ब्लॉग में थोड़ी बोलते हैं ये, वहाँ जा फिर नानी की तबीयत पूछ। नानी की तबीयत तो ठीक होगी थोड़ा। हाँ ठीक हो जाएंगे फिर। कल तो कल कभी बकरी मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ यार। बाद में बोलेंगे फिर। बाय 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 टाटा। ले इसमें बोल है। बाय दोस्तों भाई, बाय भाऊ। तो भूमि को जो है ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब वो ब्लॉग्स वगैरह देखती होगी ना, तो उसे मतलब वही है कि क्या बोलूँ होती है ब्लॉग्स में। हाँ तो अच्छा भी करती है वैसे। तो अभी जो है अंधेरा होने वाला है ना, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, पब्लिक करके आ जाती हूँ फटाफट, क्योंकि बादल लग रखे हैं आज। ये देखो बादल लग रखे पूरे, तो अंधेरा जो है जल्दी हो जाएगा। तो जहाँ मेरे बाल क्या हो गए ऐसे, आज देखो पूरा बादल लग रखा है, क्या मस्त तगड़ा व्यू आ रखा है। बारिश होगी तो भाई साहब बहुत ठंड होने वाली है, वैसे इतनी ठंड हो रही है और भी ठंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी ठंड। मैं ऊपर पहुंच गई हूँ और अब मैं नेट चलाती हूँ वहाँ पर बैठ के, भालू की जगह है वो। जब मैं बैठती हूँ रात को, मतलब बोलते तो हैं भालू आता है यहाँ पर करके, और जिस उसके ऊपर पेड़ है वो भालू उसका फ्रूट भी खाता है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर जाके नेट चलेगा थोड़ा सा। पंकज का फ़ोन लेके आई हूँ, जियो की सिम है उसकी, तो जियो चलता है ना यहाँ पे थोड़ा, तो इसलिए ऊपर जाते हैं अब। तो मैं बैठ गया यहाँ पे, ये मस्त हुड यार, पंकज का फ़ोन से हॉटस्पॉट लेके स्टोरी लगानी है। स्टोरी लगने में भी इतना टाइम लगता है ना, आधा घंटा लग जाएगा भयंकर, दिमाग ख़राब हो जाता है। एक स्टोरी लगने के लिए भी इतना घूमता है। क्या मस्त व्यू हो रहा है देखो, आज पूरा रेड रेड हो रखा है। अभी मेरा व्लॉग जो है डल चुका है, बस स्टोरी नहीं लगी अभी इंस्टा में, बहुत ही स्लो नेट चल रहा है बहुत ज़्यादा, पर व्यू कितना तगड़ा लग रहा है। पर शाम भी होने वाली है, पता नहीं कब तक होगा अभी अपलोड स्टोरी। व्लॉग जो है पब्लिक हो गया है पर स्टोरी नहीं लगी इंस्टाग्राम पे। अभी मेरे को इतने सारे मतलब रील्स प्रमोशन के मेरे को गाने मिलते हैं, जो नए नए गाने आते तो रील में प्रमोट कर दो करके मैसेज आते हैं, तो मैं उनके रील्स बना नहीं पाती हूँ। वो लोग सोचते हैं कि व्लॉग तो अपलोड हो रही है पर रील क्यों नहीं बना रही है, तो गांव में नेट ही नहीं है, उनका गाना ही नहीं खुल रहा है, तो रील बनाना तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए, और रील तो अपलोड ही नहीं हो रही है यहाँ पे से बिल्कुल भी। तो पर देखते हैं अब क्या होता है। उन लोगों को लग रहा है मैं खाली मजाक कर रही हूँ, मतलब मेरा मन नहीं है या फिर रील बनाने का या फिर उनका गाना अच्छा नहीं है, वो लोग ये सोच रहे होंगे। पर उन्हें इतना वो सोच रहे हैं कि व्लॉग तो अपलोड हो रहे हैं इनके, पर हमारे गाने के लिए इनके पास नेट नहीं है करके। पर उन्हें क्या पता कि यहाँ पर सच में नेट नहीं चलता है, मेरी रील अपलोड नहीं होती है, उनका गाना ही नहीं सुन पाती मैं जो वो लोग भेजते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप के मैसेज तो खुल जाते हैं पर जो गाना वो भेजते हैं कि इस गाने में रील बना दो करके, तो मैं वो गाना ही नहीं खोल पाती हूँ, तो फिर बनाऊँ कहाँ से मैं रील। और ऊपर से रील बनाने के लिए भी गाना चाहिए और गाना डाउनलोड ही नहीं होगा, और फिर इसके बाद अगर मैं गाँव में भी बना लूँ किसी और फ़ोन से वो करके, फिर एडिट करने में दिक्कत होगी, फिर अपलोड करने में दिक्कत होगी, तो बहुत ही मतलब है। तो जो भी लोग अगर देख रहे हैं कि जिनके जिनको लगता है कि मैं उनके गाने प्रमोट नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो ये प्रॉब्लम है मेरी। मैं उन्हें बताती तो हूँ पर सोचते ही होंगे वो कि ये व्लॉग्स डाल रही है, फ़ोटोज़ डाल रही है करके। चलो देखते हैं। तो दगड़ियो स्टोरी तो डल गई इंस्टाग्राम पर व्लॉग की, बट एक और स्टोरी लगा रही थी मैं फ़ोटो अपनी, वो लगी नहीं, अंधेरा हो गया, तो मैं अब जा रही हूँ घर को, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, अकेली हूँ। भाई होता तो चलता, एक और स्टोरी डाल देती, बट एक स्टोरी चलो कोई बात नहीं, एक घंटा लग जाता है एक स्टोरी डालने में भी। अब जाती हूँ फटाफट, भाई बना रहा है घर में आज चाउमीन और चिली पोटैटो, अब वो खाते हैं घर जाके, अभी तो बन ही रहे होंगे उसके। ये देखो पार्टी की तैयारी हो रही है, बकरी की जोरदार, बकरी के बर्थडे की पार्टी। भनुली चुफाल। भनुली भनुली नाम रख दिया उसका, बताओ भाभी ने। अभी नामकरण करेंगे, उन्होंने ऐसे ही रखा है वो नाम। मैकडोनल्ड्स फेल आज तो भाई साहब फ्रेंच फ्राइज में। भटियाल में बन रहे हैं बिल्कुल। गांव में रहते हैं तो क्या हम पिज्जा वाला आइटम नहीं खाते।
बीच में नई डिश डाल दी है, फंटोस फंटोस बन गया ये हमारा आज। मस्त लग रहा है ना ये जो, ये उंगलियों में डाल के खाते थे हम बचपन में। हाँ उनकी ब्लॉगिंग चल रही है, ब्लॉगिंग सीखी जा रही है। अब हमारी अगली से अगली डिश बन रही है, पहली तो ये बनी थी, फिर दूसरी वो ये बनी है, अब ये यहाँ पे तीसरी बन रही है, फिर चौथी डिश जो है तैयार होएगी अभी। ये देखो चिली पोटैटो बन रहे हैं बिल्कुल बढ़िया होममेड आलूओं के। अरे चाउमीन भी बनेगी अभी तो, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज। तो दगड़ियों हमारा होटल खुलने वाला है हल्द्वानी में। अब होटल का नाम है चणखा जाए म्यारे होटल, पर सामान सारा मिलेगा आपको। भिंजी बोलेंगे अब, मेरे होटल का नाम चुरा लिया भिंजी ने, रखा था ये नाम चणखा जाए म्यारे होटल। पैसा ही पैसा होगा। हमारी बन गई यहाँ पे चौथी डिश चौमिन, अभी चौमिन बनेगी अब। ओ भाई, ओ भाई, कती जहर हो रहे हो आप तो। गर्ल्स फैन होने वाली है, घबरा बनाए रखे। कहीं सारा नीचे गिरेगा, मट लागल सब छार लागल। एक ऑर्डर बन चुका है चाउमीन का, ये दूसरा ऑर्डर बना रहा है अभी, दूसरा ऑर्डर दिया है। दो प्लेट बन गए हैं, चार प्लेट और बनानी है। तो ये हमारे राउंड टू की चाउमीन जो है बन चुकी है। शेफ बार बार मैं बोल रही हूँ पंकज सिंह चिपाल, ध्यान रखिएगा आप, मुस्कुराहट उनकी, डटे रहे, थके नहीं। नेक्स्ट ऑर्डर किसका है? इनका है ऑर्डर नेक्स्ट। ढाबा बहुत बिजी रहता है भाई, जल्दी करो, छुट्टी है, घर जाना है, बकरी की पार्टी है। बकरी की पार्टी। आज हमारे घर में नया मेहमान आया है। हाँ तो पार्टी जम के होगी आज, तीन चार दिन तक होगी। देखो एक कारीगर ये हैं, एक ये हैं, एक ये हैं। हमने भी काम करा है गाइस, ऐसी बात नहीं है गाइस। हमने चाउमीन धोई है और कढ़ाई धोई है, तसला धोया है, खाने के बाद फिर थाली भी धोई है। गाइस ऑर्डर आया ऊपर से, उनके लिए अभी डाल रहे हैं टिफिन में। लो भाई साहब, छींक मार दी इन्होंने सॉस। यू भी सिर्फ सॉस खाती है। नहीं आता हूँ, कैसा लगा फिर? फर्स्ट क्लास बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं तो बनाता हूँ। अब शेफ जी जो है जा रहे हैं सोने, कल उन्हें काम, वहाँ जाना है ऊपर मंदिर में, लकड़ियाँ वगैरह, लकड़ियों वगैरह का काम है, थोड़ा गए वो। दगड़ियों जिसकी पार्टियों से तो हम देखने ही नहीं आए, जिनका बर्थडे है अभी उन्हें देखते हैं। फिर ये देखो भाई, ये सबसे पहले आता है बगा बगा, इसी की छोटी बहन हुई है। ये देखो, हाय, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भनुली। अभी अपनी मम्मी के पास दूध पीने जा रही है, हमने पार्टी खा ली तो ये भी पार्टी अभी एंजॉय करेंगे, दूध पी दिया अपनी मम्मी का।
देखो भाई सारे बकरे, ये बकरे गएंगे, ये बकरियां गएंगे, ये लेडीज पार्टी है और जेंट्स पार्टी है। ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैं। तो दगड़ियों हमने खा दिया है खाना, सब कुछ फास्ट फूड आज। तो अब जो है आज का ये व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो और खाना भी अच्छा लगा हो। गाइस अभी हम भंडकुन धोने जा रहे हैं, तो आज का ये व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। ओके बाय। अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।